सो व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हैं आदित्य नाकल और मैं हूं आपका प्यारा होस्ट आदित्य। तो आज की इस नई वीडियो में हम करने जा रहे हैं व्हाट्सएप का एक छोटा सा हैक, जिसमें आप मैसेज डिलीट कर सकते हैं 3 दिनों तक फॉर एवरी मंथ। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीट करना फॉर एवरीवन हैज अ टाइम लिमिट, मतलब जस्ट लाइक 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, उसी में आपको अगर मैसेज डिलीट करना हो तो आप कर सकते हैं। पर आज की इस नई वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ, ऐसा हैक लाया हूँ, जिससे आप व्हाट्सएप के मैसेज 3 दिनों तक डिलीट कर सकते हैं। ये गाइस शुरू करते हैं, बिना वक्त जाया करिए। मैं हूँ आपका प्यारा होस्ट आदित्य। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पे। तो गाइस अब मैं आपको व्हाट्सएप खोल कर दिखा दूँ, जो मैसेज हम डिलीट करना चाहते हैं उसमें डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। डिलीट फॉर मी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा है और डिलीट फॉर मी का आ रहा है ओनली। ओके गाइस, तो हम क्या करने वाले, सिंपली आपको सबसे पहले अपना नेट ऑफ करना है। आप देख सकते हैं मेरा नेट ऑफ किया। ओके, अब आपको सिंपल व्हाट्सएप के ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको फोर स्टॉप के बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है। फिर ओके के बाद सेटिंग में जाना है। आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको टाइम सेटिंग में जाना है। डेट एंड टाइम को आपको एडजस्ट करना है, ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को आपको बंद कर देना है और डेट आपको डालनी है जिस दिन का मैसेज है। ओके, और जो टाइम होगा वो होगा अप्रॉक्स जिस टाइम आपने मैसेज भेजा था उसके 3-4 मिनट के आसपास। तो मैं 9:12 का ले रहा हूँ क्योंकि मैसेज था 9:09 का। ओके, तो मैं ओके करता हूँ और अब फ्रेंड क्या करना, अब सारा कुछ बंद करके दोबारा से व्हाट्सएप खोलते हैं। अब व्हाट्सएप जैसा ही खुलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ चुका है। गाइस, तो दिस यही है ट्रिक, आप डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक करते हो। गाइस, आप देख सकते हैं दिस मैसेज फॉर डिलीटेड। अब आप नेट ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। तो गाइस, होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को और अपना साथ ऐसे यूज देते रहिए। अब मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, देखते हैं नई वीडियो कब लॉन्च होती है। अगर आपका साथ ऐसे ही मिलता रहा तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि नई वीडियो बनाई जाए। और दोस्तों, कुछ भी अगर टॉपिक्स हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा ये हो सकता है हम इस पर वीडियो बना सकते हैं नहीं। प्लीज़ आप नए नए टॉपिक्स पर आप कमेंट करिए किस चीज़ पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप ऐसा साथ हमें देते रहिए। अब दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।